हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल आरडी गुड लाइफ। एंड लास्ट वीडियो में आप सबका बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मोहब्बत मिला था, अच्छे व्यूज़ आपने दिए, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड अभी हम बैठे अपने दोस्त अक्षुल चौहान सर के साथ, और इनकी है गाड़ी किया सोनेट। सो इनकी ये पर्सनल कार है इनकी, वैसे ये तो बड़े अमीर आदमी हैं, इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बट ये इनकी पर्सनल गाड़ी जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ये आप इसका इंटीरियर देख सकते हो। सो इससे हम बस एक थोड़ा सा हमारा कन्वर्सेशन होगा, वार्तालाप होगी, जिसमें बताएंगे कि यार गाड़ी कैसी है चलाने में, ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है, और ये कैसे चलाते हैं, इनको उस गाड़ी का बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सो ये गाड़ी भाई तुमने कितने में ली थी? ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी 13,80,000 रुपए की, और मैंने ये मेरठ से खरीदी थी क्योंकि घर तो मेरा मेरठ में ही है, तो सारी गाड़ियां वहीं से खरीदते हैं। 13,80,000 रुपए ऑन रोड विद जो भी इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाई थी, जैसे ये लगवाए थे और क्रोम फिनिशिंग करवाई थी, तो सबके बाद 13,80,000 रुपए पड़ी थी ऑन रोड। अच्छा, तो स्पेसिफिकली ये गाड़ी की उसके कंपटीशन में तुमको और भी गाड़ी जैसे ले सकते थे? यार तो लेने तो गए थे रेनॉल्ट की काइगर। ओके। मन ये था कि कोई भी कार लेनी है ऑटोमेटिक लेनी है, बट ज्यादा महंगी कार नहीं लेनी थी, मतलब 15 लाख से ऊपर बजट ले जाना नहीं था। तो सोचा था कि रेनॉल्ट की काइगर लॉन्च हुई थी नई, तो तब बहुत ज्यादा ये था कि भाई बहुत अच्छी कार है वो, उसको ले लेते हैं। तो उसकी बुकिंग भी करा दी थी, 2.5 महीना वेट भी कर लिया था। हुआ है कि वो काइगर कभी भी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुई, वो डिले करते रहे, फिर एंड में जाके डीलरशिप ने बोल दिया कि जो इसका टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक वाला, वो तो बहुत ही दिन लगेंगे, 10-11 महीने लग जाएंगे, तो आप या तो कैंसिल करा दो, मतलब डीलरशिप ने कह दिया था कि आप या तो कैंसिल करा दो नहीं तो आप वेट कर लो अगर आपको वेट करना है। तो फिर हमने वो कैंसिल करा दी। फिर उसी टाइम पे ये किया वालों को पता नहीं कहाँ से नंबर मिला, उन्होंने जो है कॉल किया, उन्होंने कहा आप एक बार आके गाड़ी देखो, टेस्ट ड्राइव लो। तब भी मेरा किया सोनेट लेने का मन इसलिए नहीं था कि मेरा मन था कि कोई जो नई लॉन्च हुई कार है वो खरीदेंगे, इसको हो गया था तब तक आए हुए मार्केट में टाइम, पर फिर इतना कह रहे थे तो मैंने कहा चलो जाके एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली, और मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं इस गाड़ी की सीट पर बैठा, तो जो कंफर्ट था इसकी सीट में बैठने पे और इस सेगमेंट की किसी भी कार में नहीं था। वेन्यू मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि मुझे उसका लुक ही अच्छा नहीं लगता, तो वो तो वहीं पे फेल हो गई थी। तीसरी कार जो बची थी इस सेगमेंट में वो थी निसान की मैगनाइट। निसान तो मतलब ब्रांड ऐसा है उसका भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, बंद हो जाए फिर गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या होगी। किया पहले से आ रहा है, सोनेट और सेल्टोस अच्छी गाड़ियां हैं तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। इसलिए फिर जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली, इसका कंफर्ट अच्छा लगा, इसके अंदर फीचर्स बहुत देता है किया जो कि और कोई भी कार नहीं देती इस सेगमेंट में, तो इन सब वजह से ये वाली कार लेने का मन बनाया था। और साथ ही साथ भाई ने एक अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि ये गाड़ी लड़ी थी किसे? ये टाटा हेक्सा से एक्सीडेंट हो गया था, फ्रंट मतलब सामने सामने से टक्कर हुई थी, एकदम ब्लाइंड टर्न था उस पर, और दोनों गाड़ियां मतलब सामने हेक्सा रही होगी 70-75 पे, मेरी कार भी 50-60 पे थी, एक्सीडेंट हुआ था। मुझे लगा था जब मैं गाड़ी से उतरा कि मतलब टाटा की कार से एक्सीडेंट हुआ है तो मतलब क्या ही बचा होगा, बट एकदम ना उल्टी कहानी थी। मेरी कार का तो बम्पर टूटा था खाली, टाटा हेक्सा की ग्रिल, बम्पर, हेडलाइट, रेडिएटर फूट गया, मतलब टाटा हेक्सा को उसे टो करा के ले जाना पड़ा, मैंने बस अपने बम्पर को हल्का सा ऊपर करके बांधा और ऐसे ही ले गया, कार में और कोई डैमेज हुआ ही नहीं था। और देख के कोई कह नहीं सकता था कि मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें किया की सोनेट में इतना ही डैमेज हुआ है, बिल्कुल सामने से टक्कर हुई थी। सो यार ये तो सिर्फ ब्रांड मोनोपोली बनाने वाली बात है, नहीं तो किया सोनेट, क्योंकि मैंने भी इसके डोर ओपन करके देखे तो काफ़ी मुझे हैवी लगे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मेरे पास पहले स्कोडा फेबिया थी, सो उसके जो डोर थे उससे भी ज़्यादा हैवी डोर मुझे इसके फील हुए। गाड़ी की अगर हम हाइट की बात करें तो एग्जैक्टली बिल्कुल क्रेटा की हाइट की गाड़ी है, और अंदर से आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस और बहुत एक लग्जरी फीलिंग देती है, क्योंकि आप अगर इसका डैशबोर्ड देखते हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम देखते हो, ये मिड रेंज था कि टॉप मॉडल है? यार ये मेरा जो इंजन वेरिएंट है ये IMT इंजन है, तो ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन करके किया के पास ही आता है ये वाला इंजन खाली। इसमें क्या होता है, इसमें क्लच नहीं होता, गियर्स होते हैं, आपको गियर्स डालने होते हैं, आप एक्सेलरेटर रिलीज करो और गियर चेंज कर दो, और मतलब ऑटोमेटिक ही होता है एक तरीके से ये। इसमें एडवांटेज ये होता है कि आप कभी आपको एकदम से तेज पिकअप में किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप जैसे गियर वाली कार में 5वां गियर डालते हो, स्पीड पकड़ते हो, आगे निकालते हो, वो कर सकते हो ऑटोमेटिक में, तो वो यू गो स्टेडिली।
ये IMT में ये टॉप वेरिएंट है, तो इंजन वाइज वेरिएंट्स आते हैं सोनेट और सेल्टोस में ना, तो ये IMT का टॉप वेरिएंट है। सो वैसे जैसे ये 180 mm की हाइट या 200 mm की हाइट तो इस गाड़ी की होगी, सो जनरली जैसे इस गाड़ी में बॉडी रोल इस हाइट में, इस सेगमेंट की गाड़ियों में हल्का सा बॉडी रोल फील होता है। जितनी देर से मैं बैठा हूँ मुझे तो बिल्कुल ही बॉडी रोल फील नहीं हुआ इसमें। हाँ, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी रोल मुझे भी फील नहीं हुआ आज तक। मतलब मैंने ये आज तक मैक्सिमम 160-165 पे भगाई है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे मतलब हर वीकेंड ही चलती है गाड़ी, उस पर 160-170 चलती है। तो कभी भी आज तक मतलब मैं अकेले भी गया हूँ और लोगों के साथ भी गया हूँ, बॉडी रोल कभी फील नहीं हुआ। बल्कि मेरे को बॉडी रोल फील होता है, एक हमारे पास टाटा पंच है वो इससे छोटी है और उसमें बॉडी रोल फील होता है। सो यार ये गाड़ी अगर वैसे इस गाड़ी को मैं रेट करूँ, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ कि बुलेरो नियो मैंने लिया, मैं वीडियो आपने देखा ही हुआ है, गाड़ी बहुत टफ है, मेरी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा टफ है यार। वो तो बिल्कुल गाँव और वैसे रफ मतलब रोड्स के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए वो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, और फ्रंट व्हील के हिसाब से अगर इसकी हम पिकअप की बात करें तो बहुत पंची गाड़ी है। स्पीड के मामले में तो यार बिल्कुल पॉइंट्स आप इसके रिड्यूस नहीं कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज कि इस गाड़ी का अंदर अगर आप साइज भी देखोगे तो ये गाड़ी बहुत स्पेशियस है। आप बैक सीट की अगर बात करो या फिर इसके वो आप बूट स्पेस की बात करो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेन थिंग इज कि किया का जैसे लोग बोलते हैं कि यार क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं है और मारुति से कंपेयर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किया की गाड़ी में मैं बैठा हूँ और मैंने देखा है। सो बहुत टफ, मुझे ये सोनेट तो बहुत टफ लगी, और जैसे भाई ने एक्सपीरियंस बताया हेक्सा के साथ, सो उसके अकॉर्डिंग तो यार फिर मेरा तो थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज हो गया है कि ऐसा नहीं है, खुलने वाली गाड़ियाँ टाटा की भी खुल जाती हैं, और नहीं तो बिल्कुल देख ही रहे हो यार कितना टफ गाड़ी है ये। और यार मुझे एक चीज़ का तो इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, जैसे मैंने अभी मतलब ये बस एक रैंडम रिव्यू मैं ले रहा हूँ, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि भाई से बस मिलना हुआ। सो इसने मुझे बोला कि ठीक है यार बना ले वीडियो। सो एक चीज़ को लेके यार मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, मैंने देखा अभी भाई इस लिटरली 1000 cc का इंजन है ये। हाँ ये 1000 cc का इंजन है, बट इसकी पावर देख के कोई कह नहीं सकता। नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल भी नहीं यार, इतना पंची इंजन है। मतलब अगर तुम बात करो तो यार 160 तो भाई भगा चुका है, और अभी भी यार ये इतनी स्मूथ और इतनी पावरफुल अंदर से फील हो रही है, जब भी टॉर्क लेता है तो ऐसा पीछे की तरफ पुश करती है गाड़ी। भाई लिटरली यार किया को इस चीज़ में सैल्यूट है, मतलब सोनेट में उसने 1000 cc के इंजन को उसने किस तरह से मैन्युपुलेट किया है कि भाई इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही है। परफॉर्मेंस का तो तुम्हें कभी कुछ इशू नहीं आया होगा? परफॉर्मेंस को लेके तो मतलब ऐसा है कि मैंने इस सेगमेंट की और कार्स चला के देखी है, वेन्यू चलाई है, मैंने बताया था बाकी सब भी चलाई है, वो सब फेल है इसके आगे। और मतलब मैं इससे एक सेगमेंट ऊपर भी जाता हूँ ना, तो ये अगर वो 20 है तो ये 19 ही होगी, 18 भी नहीं होगी उनसे पावर में तो फॉर श्योर। और टोटल जो ओवरऑल कार में जो होता है ना कि मतलब पावर एक चीज़ हो गई, आप गाड़ी चला रहे हो आपको फील कैसा हो रहा है, वो फील इसकी बहुत बेटर है। ये पहली कार थी हमारी जो हमने मारुति सुजुकी के अलावा किसी और ब्रांड पे गए थे, बट इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मारुति सुजुकी पे कभी वापस जाएंगे। नहीं यार डेफिनेटली अगर तुम्हें इस प्राइस रेंज में अगर तुम्हें ये फील मिल रहा है तो वो मुझे नहीं लगता यार कि तुम्हें इस बजट में क्रेटा के साइज की गाड़ी में क्रेटा से ज़्यादा बेटर फील मिलेगा, क्योंकि क्रेटा की मोनोपोली है मार्केट में उस सेगमेंट की। बट मुझे नहीं लगता यार क्रेटा से तो मुझे बहुत फार बेटर गाड़ी लगी। सो फटाफट आपको बताते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। सेंट्रल लॉकिंग है ऑल 5 doors, उसके बाद आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें अपर कार पे एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है वायरलेस, एंड AC आपको इसमें ऑटोमेटिक मिलता है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और MID में आपको सारी जितनी भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाती हैं। टायर प्रेशर भी इसमें मिलता होगा ना, टायर प्रेशर अलर्ट एंड एवरी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें मिल जाती हैं। क्रूज कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का सारा आपको कंट्रोल इसमें इसके हेडल मिल जाता है, प्लस सनरूफ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, जैसी भी है लेकिन बड़ी भाई अच्छी है यार। मतलब सनरूफ यार आजकल बाहर तो कौन ही निकलता है लेकिन एक अच्छा सा अंदर माहौल सा क्रिएट कर देती है। पीछे की सीट देख सकते हो, तो भाई ये तुमने सीट कवर आफ्टर मार्केट लगवाया कि कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड देख रहे हो भाई, कंपनी फिटेड कितने सेक्सी। मतलब बाहर से तुम लगवाओ इस कार में कोई भी चीज शोरूम से बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं लगवाया गया, जो है एज इट इज ऑन टाइम ऑफ डिलीवरी सब कंपनी फिटेड है। ये लेदर अपहोल्स्ट्री भी स्टीयरिंग पे किया ने लगा के दिया
एंड काफ़ी अच्छी, मतलब ये आफ्टर मार्केट तो यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। प्लस इसमें तुम देख सकते हो कि यार नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस भी है जहाँ पे तुम अपना सामान रख लो। प्लस तुम्हें चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12 वॉट का, टाइप सी भी मिल जाता है, भाई ने सैनिटाइजर रखा है, यहाँ पे तुमको आर्मरेस्ट मिल जाता है। सो और इसके जो मैट्स भी है ना वो भी 3D है, वो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने, मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जब मैं टाटा की कार लेने गया ना, उनके पास 3D मैट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो आज भी वही वो कपड़े वाले मैट्स पे जिंदा है। इन्होंने 3D मैट्स बना रखे हैं जो कि एक तो डली भी होती है तो अच्छी लगती हैं और वो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, प्लस उनको क्लीन करना आसान होता है तो वो लुक भी अच्छा है। सो फाइनली अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव क्या लगा गाड़ी में? यार नेगेटिव जो मुझे अभी तक लगा, देखो पावर वगैरह सब अच्छी है, एक चीज़ जो मुझे इसमें नेगेटिव लगती है वो ये है कि जो अगर आप सिटी में चलाते हो इस कार को और नॉर्मली चलाते हो, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ और यहाँ की रोड्स अच्छी हैं तो आप चला देते हो कार को 80-85 की स्पीड पर उस पर ना ये एवरेज अच्छा नहीं देती है, आपको 11.5-12 एट मैक्स टाइप का एवरेज मिलेगा सिटी में, पर अगर आप हाईवे पे जाओगे तब दे देगी आपको 15-16 का। लेकिन स्टिल इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगेन वो आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट, जैसे भाई का मुझे पता है, भाई को बस गाड़ी खींचनी है बस फुल पावर, तो वो ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। मुझे एक चीज़ और काफ़ी अच्छी लगी कि हर कोई इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है कि पता नहीं कैसी होगी। जब मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ और वो ना काफ़ी ही रिमोट एरिया में हुआ था, गुड़गांव में पर बहुत रिमोट एरिया में हुआ था, मैंने किया का यहाँ पर नंबर लिखा होता है, मैंने वो किया गेयर पे कॉल किया, 20 मिनट के अंदर उन्होंने मेरे लिए एक टैक्सी कराई जो मेरे पास आ गई 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर एक क्रेन आ गई, भले ही मुझे उसकी ज़रूरत हो या ना हो पर वो क्रेन आ गई। अगर उन्होंने मुझसे ये तक पूछा कि आप अपने होम लोकेशन से बाहर हो अगर तो हम आपके लिए होटल भी करा देंगे, तो ये सब किया करता है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपकी कार कहीं पर भी आपको कुछ भी हो जाता है, ख़राब हो जाती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे कॉल करो, सारा सपोर्ट वो आपको देते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि ये महिंद्रा टाटा या कोई भी होम ब्रांड देता होगा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मतलब आफ्टर सेल सर्विस है फुल ऑन कम्प्लीटली सैटिस्फाइड। जब ये ठीक होने गई थी, जब इसका एक्सीडेंट हुआ था या जब भी ये सर्विस के लिए जाती है और इसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मतलब ख़राब हो गई है, जैसे कहीं टकरा गई है या कुछ हो गया है, तो जो इनका सेल्स वो आफ्टर सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है ना, जो वहाँ पर बॉडी शॉप पे अवेलेबल होता है, वो कार की हर एंगल से फोटो लेता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, एक एक दिन की अपडेट देता है कि आज हमने ये कर दिया है, आज हमने ये कर दिया है, अब आपकी कार इस जगह पे है, उसकी फ़ोटो भेजेगा, सारी चीज़ें आपको ना आपको सामने से कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो आपको खुद ही बताते रहते हैं। और जो कमिटेड टाइमलाइन होती है ना, उससे पहले ही डिलीवर हुई थी मुझे कार काफ़ी दिन पहले, और उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला था कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, आप इसको चला लो, अगर आपको अगले 20-25 दिन 30 दिन में कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ में थोड़ा भी इशू आता है, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, आप नंबर पर कॉल करना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम आएंगे और हम वहीं पर चेक कर लेंगे। तो ये मतलब इतना कर रही है कोई कार कंपनी, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। किया सोनेट का बहुत ही रैंडम क्रिस्प प्रिसाइज शॉर्ट कस्टमर रिव्यू 1 साल का जो मेरे फ्रेंड ने चलाई है, एंड उसको जो भी उसका अभी तक का वॉट एवर ही फेल्ट, जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो उसने शेयर किया है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी गाड़ी का एक 360 ओवरव्यू दूँ विद फीचर्स एंड गाड़ी का माइलेज, उसका इंजन कैपेबिलिटी, अब पूरा मेजरमेंट गाड़ी का एंड अबाउट ऑल द फीचर्स, तो अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं आपको कि ये एग्जैक्टली गाड़ी का मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूं कम्प्लीटली इन डिटेल डेप्थ वीडियो, सो प्लीज़ कमेंट करना, एंड डेफिनेटली आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक बहुत अच्छा सा फुल डेप्थ रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा इसी चैनल पर। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भारत माता की जय, हर हर महादेव।